एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो जैसा आपने टाइटल में पढ़ा होगा, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पैकिंग की, ढेर सारी पैकिंग की और सब कुछ, हम जितनी भी चीज़ें हमारे पास है उन सब की। सो बेसिकली इस घर में फर्नीचर के अलावा सब कुछ हमारा था, लाइक कपड़े, टॉयस, किताबें और बहुत कुछ। सो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पैकिंग, और आज से मतलब वैसे तो मैंने थोड़ी थोड़ी बहुत सारी पैकिंग की है, लेकिन आज से एकदम सीरियसली पैकिंग स्टार्ट होने वाली है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पैक करनी है, लाइक वहाँ पे पूजा से रिलेटेड सामान जो कि हम वहाँ जो भी करने वाले हैं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सब कुछ। मैं किचन को सबसे लास्ट में करूँगी, लेकिन इस सारे वीडियो में आपको सब कुछ पैकिंग से रिलेटेड दिखने वाला है। सो मैं शुरू करती हूँ उस वीडियो को, और मेरे आसपास पूरा सामान ही सामान है तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन बस पैकिंग होगी और मैं वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बातों से ये हो, क्योंकि बहुत सारा काम है। तो मैं एक बार आपको सारा कमरा दिखाती हूँ, और यहाँ आदेशी कड़ी है जो ऐसा बता रही है, ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो भी बहुत बिजी है, बट ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ काम बढ़ा रही है। सो यहाँ भी बॉक्स है, इधर भी बॉक्स है, इधर भी बॉक्स है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और ये रही आदेशी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही है आदेशी वाटर से। आदेशी वाले व्लॉग में आपके लिए ज़्यादा फुटेज नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हैं आप? ओके, सो उधर भी सामान है, और इधर ये चल रहा है फैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरी शक्ल आपको बता रही होगी बहुत काम है और मैं एकदम अजीब से दिखी रही हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि आप अपने सामान को किस तरह से पैक करें ताकि आपको कम से कम दिक्कत हो वहाँ जाके उस सामान को खोलने में। सो पैकिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने बनाया एक बॉक्स आइडेंटिफिकेशन की पूरी शीट। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, तो मैंने एक डायरी में बॉक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अलग आइडिया लगाया था। सो इस आइडिया में मैंने ये किया कि मैंने दो सेक्शन बनाए, एक था हिंट का, दूसरा था डिस्क्रिप्शन का। सो हिंट में मैं वो वर्ड लिखूँगी जो कि मैं बॉक्स के ऊपर लिखने वाली हूँ, और डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें लिखूँगी जो कि उस बॉक्स के अंदर है। बेसिकली क्या होता है, हम सिर्फ लिख देते हैं ठंड के कपड़े। अब ठंड के कपड़े कौन से ठंड के कपड़े, मेरे ठंड के कपड़े, आशीष के, आदिशी के, या तीनों के मिक्स, उनमें भी कौन कौन से वाले। सो मैंने सारी चीज़ें पहले अलग अलग सेग्रीगेट की थी, और फिर उसके बाद जैसे मैंने लिखा फुल क्लोथ्स, तो आदिशी के फुल क्लोथ्स हैं उसके अंदर, आदिशी का बॉडी वार्मर है, इस तरह से मैंने उसे बनाया था। मतलब तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें लिख दी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने से एक जो बहुत अच्छी चीज़ होती है वो ये होता है कि जब मैं नए घर में जाके इन बॉक्सेस को खोलूँगी तो मुझे पता होगा कि इस पर लिखा है तो इसके अंदर ही है, तो कोई भी जल्दबाजी नहीं रहेगी, जो ज़रूरी सामान है वही पहले बाहर आएगा। सिर्फ एक वर्ड लिख देने से उसके अंदर क्या क्या है उसका कन्फ्यूज़न बढ़ता है। तो अगर मुझे कन्फ्यूज़न, खैर मैंने खुद ने पैक किया है, बट अगर मुझे कन्फ्यूज़न हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता दूंगी कि इसके अंदर क्या है। उसके बाद आते हैं ये सारे वायर्स और चार्जर्स पे। आपको तो पता ही है कि हम सभी लोगों के पास ढेर सारे चार्जर होते हैं, घड़ी का, ईयरफोन का, हेडफोन का, मोबाइल का, और अब पता नहीं कितनी चीज़ों के चार्जर होते हैं। सो मैंने यहाँ क्या किया है कि छोटे छोटे जिप लॉक वाले बैग ले लिए हैं, उसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है और स्टिकर में भी मैंने लिख दिया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हेडफोन चार्जर। इस तरह मैंने हर चीज़ के चार्जर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और जितने भी तरह के हमारे पास वायर्स थे, माउस हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं कई बार, चार्जर बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं, तो मैंने इस तरह से सब चीज़ों के अलग अलग पाउच बनाए और उन्हें अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया, और उसके बाद मैंने उन्हें एक ही बॉक्स में सारों को रख दिया है। ये पैकिंग के तौर पे भी बहुत अच्छा है, और जब हम घर में चले जाएंगे तो मैं इस बॉक्स को ऐसा ही वहाँ रखने वाली हूँ, क्योंकि कई बार होता है इसका चार्जर कहाँ है, माइक कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो ये वाली चीज़ काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो ये टिप आपके भी काफ़ी काम आ सकती है। उसके बाद यहाँ है ढेर सारे बॉक्सेस। नेदरलैंड में अगर जानना चाहते हैं आप लोग मैंने बॉक्स कहाँ से लिए, तो मैंने गामा से लिए, बट आप चाहें तो एक्शन से भी ले सकते हैं, बट बी फ्रेंकली एक्शन के बॉक्स थोड़े से कमज़ोर हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ ये किया हुआ है कि ये जो हैं सारे छोटे छोटे गर्म कपड़े हैं, ग्लव्स और सब कुछ, इनको अलग कर दिया, इन्हें अगर बड़ों के साथ रखती तो बाद में शायद मिलते नहीं। और ये मेरा किचन का सामान, मैंने किचन के सामान को बहुत ज़्यादा पैक वैक करते आपको नहीं शेयर किया है, लेकिन हाँ वही है कि
सारी चीज़ें मैंने अलग से सेग्रीगेट कर ली थी। मेरे पास कई सारे बड़े बॉक्सेस हैं तो मैंने उनके अंदर पैक कर करके चीज़ें रख ली थी। और ये हैं कपड़े। सो कपड़ों के साथ ये है कि मेरे पास तक के बड़े बैग अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहूँगी कि कुछ बड़े बैग्स में ज़रूर इन्वेस्ट करो, इंडिया से मंगा लो अगर आप इंडिया में नहीं हो तो। इवन आइकिया में भी ये बहुत ईजिली मिल जाते हैं कई बार, तो ये मंगा लो। तो इससे होता है कि इनमें ही कपड़े रखो और सीधे इन्हें ले जाके और वहाँ रख दो, तो इतने बॉक्स भी बच जाते हैं। और ये जो एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रेडिशनल और सूट वियर और जो सारे होते हैं ये ख़राब नहीं होते। और ऐसे ही मैंने बाकी कपड़ों के साथ भी किया, तो ये बैग से काफ़ी आसानी हो गई मुझे। ये हो गया और फिर आता है ये सब कुछ, और ये आप दिख ही रहा है आपको, ये सारी क्रॉकरी। सो चूँकि हमारे पास हमारे यहाँ कोई क्रॉकरी नहीं थी तो हमने नए घर के लिए सब कुछ नया लिया है, कप प्लेट कटोरी चम्मच। तो मैंने इन सारी चीज़ों को लाके सीधा यहीं रख दिया था, हैंड वॉश की बॉटल्स, और ये वाला तो आशीष इंडिया से लाए थे आपको पता ही है, तो ये सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह का रोल ख़रीदा, ये गामा में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो याद है आपको बचपन में हम टिक टिक करके जिस भी सामान के साथ आता था तो खेलते थे, तो मेरा उस वक्त भी यही मन कर रहा था। बट ये बहुत सेफ़ और बहुत अच्छा है, मुझे इसका अंदाज़ा अब हुआ कि कितना अच्छा है। मैंने सारी चीनी और ग्लास की चीज़ें इसी से पैक की हैं, और पैक करने के बाद जब मैं इसे घर लाई हूँ नए वाले, कुछ भी एक भी चीज़ पे क्रैक नहीं आया है। तो मैंने उन्हीं कागज़ के ऊपर उससे पैक कर दिया। दो रोल लग गए मुझे, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे मैं कुछ दिखा रही हूँ, पर चीज़ें सेफ रही, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये टिप काफ़ी काम की है कि ये यूज़ करें। उसके बाद ये वाली जो चीज़ें आई थिंक ये मैंने अभी पैक तो नहीं की हैं, लेकिन हाँ मैंने डेकोरेशन आइटम और पूजा का सामान अलग निकाल लिया था, क्योंकि अभी घर में नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे पूजा होने वाली है, तो मैंने सोचा उसे अलग निकाल लूँ। सारे बॉक्सेस के साथ अगर पैक करती तो शायद मिलता नहीं मुझे सामान, तो इस तरह का मेरे पास शूज़ के बॉक्स थे, मैंने वो यूज़ किए हैं इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा सामान होता भी नहीं है। तो ये बॉक्सेस थे और तोरण और सब चीज़ें। तो आपको अगर याद होगा जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने कहा था कुछ चीज़ें जो भी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, तो ये तोरण उनमें से एक है, क्योंकि तब से चल रहा था कि हाँ हम नया घर लेंगे तो मैंने खरीद ही लिया था। और ये है दवाइयाँ, आई थिंक मैं लास्ट व्लॉग में से शेयर कर चुकी या नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, इसे मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये सारी दवाइयाँ हैं। यहाँ पर हमारी बेसिक मेडिसिंस इजीली नहीं मिलती, तो हम इंडिया से सारी लेकर आते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसकी एक्सपायरी और कुछ ना हो। तो ये मैंने एक बॉक्स ले लिया ताकि इसमें सारी मेडिसिंस आ जाएँ, और ये सारी मेरी मेडिसिंस हैं आदिश्री की, हमारी बेसिक मेडिसिंस। तो क्या होता है ना, रैपर कभी भी निकल जाता है और आखिरी गोली तक पता ही नहीं होता कि इसकी एक्सपायरी हुई या नहीं। तो यहाँ देखिए ये निकलने ही वाला है एक्सपायरी डेट का वो, तो मैंने यहाँ पे स्टिकर लगा दिया और उस पर लिख दिया कि एक्सपायरी कब होगी। दिन भर हमने सारी पैकिंग की और फिर आते हैं आदिश्री की पैकिंग के लिए। आदिश्री के बहुत सारे टॉयज थे। मेक श्योर कि आप जब भी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो अपने बच्चे के टॉय पहले ही छांट लो, क्योंकि बाद में फिर हो सकता है कि आपको उतना टाइम ना मिले और बिना मतलब में ना टूटी हुई चीज़ें भी साथ चली जाती हैं। तो आदिश्री जो है पूरी नज़र लगा के बैठी है कि ऐसा नहीं हो कि ये लोग मेरा कोई टॉय यहाँ छोड़ जाएं, ये रख लो ये मत रखो ये कर लो। उसे कन्विंस भी करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे थे, तो हमने कुछ डोनेट करने के लिए निकाल लिए, कुछ ख़राब हो गए थे उन्हें फेंकने के लिए अलग से कर दिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद हमने आदिश्री के लिए भी प्रॉपर बॉक्सेस बनाकर उन पे भी स्टिकर लगा दिए थे कि कौन से हैं जो वो ज़्यादा खेलती है, लाइक कुछ गेम्स, क्योंकि अभी नए घर में जाने के बाद हो सकता है कि उसे थोड़ा टाइम लगे एडजस्ट होने में, तो कुछ टॉयज़ जो कि हम जल्दी खोल लें पैकिंग पूरी खोलने के पहले तो वो काम आ जाए, तो हमने इस तरह से इसे भी सेग्रीगेट कर लिया है। सो गाइज यही था इस छोटे से एक टिप्स एंड ट्रिक फॉर पैकिंग के व्लॉग में। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आई नो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वही है कि मैं बहुत सारा शूट करके बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। जो छोटी छोटी ट्रिप है, जो हो सकता है कि ये टिप आपको ना पता हो, वो मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी सबका अपना तरीका होता है। सो आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।